राजकीय चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सालयों में 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को कोविड का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि कई प्राइवेट अस्पतालों में शुल्क के साथ 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिसका शुल्क 250 रुपए वैक्सीन का और संस्था का सर्विस चार्ज अलग से देना होगा। उन्होंने बताया कि जो लोग विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं या कुछ कार्यालय पर प्रिकॉशन डोज की मांग करते हैं या उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है कि शुल्क देकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में वर्तमान समय में 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, प्रिकॉशन डोज किन-किन प्राइवेट अस्पतालों में लगाया? देखिए, प्रिकॉशन डोज हमारे राजकीय चिकित्सालयों में सभी चिकित्सालयों में लग रही है, जहाँ पर कि 60 वर्ष के अधिक के जो लोग हो चुके हैं और दूसरी खुराक के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी 4-5 हॉस्पिटल्स लगाना शुरू किए हैं, उसमें एक फातिमा हॉस्पिटल है और एक शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, इसके अलावा 2-3 हॉस्पिटल्स और हैं, लेकिन वहाँ पर शुल्क के साथ लगता है। वहाँ पर 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को लगाया जा रहा है, और ख़ास करके सरकार ने ये सुविधा उन लोगों के लिए दी है जो लोग विदेश यात्रा, जैसे विदेश यात्राएं खोल दी गई हैं, विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, या कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो खुल रहे हैं या कुछ कार्यालय खुल रहे हैं, वहाँ पर जो है प्रिकॉशन डोज की मांग कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए ये है कि वहाँ पर वो अपना जाकर सशुल्क लगवा सकते हैं। सर, कितना शुल्क है? शुल्क तो अभी 250 रुपये तो वैक्सीन की कीमत है, बाकी कुछ सर्विस चार्जेज है उनके अपने संस्थान का है, वो निर्धारित किया गया है। सर, जिला अस्पताल में किन उम्र के लोग? जिला अस्पताल में प्रिकॉशन डोज जो है अभी तक जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको लगा, और जितने हमारे चुनाव में काम करने वाले कर्मचारी थे जो एलिजिबल थे उनको लगाया गया, और वर्तमान समय में 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं सब लोग जो प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं, यानी सेकंड डोज के 9 माह के बाद सबको लगाया जा रहा है।